अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस अक्सा। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड चेक आउट द पेज नंबर 98। हैव यू ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स? आर यू रेडी? सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू रीड दिस चैप्टर इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल, द वॉल्फ चिल्ड्रन। वॉल्फ मतलब होता है भेड़िए और चिल्ड्रन मतलब बच्चे, ठीक है? यानी कि जो बच्चे थे वो वॉल्फ की तरह अपना उनका बिहेवियर था। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट एंड रीड द चैप्टर। ऑन November 4, मिस्टर सिंह टुक द टू गर्ल्स टू द ऑर्फेनेज इन द सिटी। हिज वाइफ हु हैड रन द ऑर्फेनेज could hardly believe her eyes as she watched the wolf children। कह रहे हैं कि 4 नवंबर को मिस्टर सिंह जो हैं वो दो बच्चियों को यतीम खाने पर लेकर आए। ऑर्फेनेज मतलब होता है यतीम खाना, जहाँ पर यतीमों की परवरिश की जाती है, वहाँ उसका इदारा। इन द सिटी, शहर में, हिज वाइफ हु हैड रन द ऑर्फेनेज, उनकी वाइफ जो थी वो यतीम खाने को चलाने में उनकी मदद करती थी। कुड हार्डली बिलीव हर आइज एज शी वॉच्ड द वॉल्फ चिल्ड्रन, उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उन्होंने वॉल्फ चिल्ड्रन को देखा। बॉथ हैड थिक रफ स्किन ऑन देयर हैंड्स नीज एंड एल्बोज बिकॉज दे रिमूव्ड ऑल ऑन फोर्स, उनकी जो स्किन थी हाथों की और पाँव की वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, रफ स्किन थी, क्योंकि वो पाँवों के बल यानी कि दोनों पाँवों और हाथों के बल चलते थे, जैसे कि भेड़ी वगैरह चलते हैं उस तरीके से। When they wanted to go short way, they used their knees and elbows, but when they wanted to run, they would travel using their hands and feet। जब वो चलते थे तो वो अपने घुटनों को और कोहनियों के ज़रिए चलते थे, लेकिन जब वो भागते थे तो वो अपने पाँवों और हाथों के ज़रिए भागते थे। मिस्टर सिंह गैव दैम ईच अ डिश ऑफ मिल्क विच दे लेफ्ट। मिसेस सिंह की जो मिसेस सिंह ने जो है वो उन्हें मिल्क दिया, जो कि उन्होंने फौरन ही पी लिया। व्हेन शी ट्राइड टू टच दैम दे ग्रॉल्ड एंड स्नैप्ड एट हर हैंड, जैसे ही उन्होंने उनको टच करने की कोशिश की उन्होंने गुड़राए और उनको काट खाने के लिए दौड़े। द गर्ल्स वर गिवन द नेम्स कमाला एंड अमाला। कमाला मीन्स लोटस फ्लावर एंड अमाला मीन्स ब्राइट येलो फ्लावर। उन्होंने इनको दोनों को नाम दिए, एक को कमाला और एक को अमाला। इट वॉज क्लियर दैट कमाला वॉज सेवरल ईयर्स ओल्डर दैन अमाला। कमाला जो थी वो उनसे सेवरल कुछ साल ही अमाला से छोटी थी। मिसेस सिंह गैस दैट कमाला मस्ट बी अबाउट 8 ईयर्स ओल्ड। मिसेस सिंह ने जो है वो जस्ट एक अंदाज़ा लगाया और गैस किया कि कमाला जो हैं वो इनसे कुछ ही 8 साल छोटी हैं। द सिंग्स हैड नो वे टू ऑफ टेलिंग वेदर द टू गर्ल्स वर सिस्टर्स और नॉट, ये इनके लिए बताना मुश्किल था और वो पॉसिबल नहीं हो रहा था कि ये दोनों सिस्टर्स ही हैं या नहीं। एंड दे हैड नो आइडिया हाउ दे हैड कम टू लिव विद द वॉल्फ, और उनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये दोनों जो हैं वो एक भेड़िए के साथ और भेड़िए की तरह क्यों बिहेव कर रही हैं। इट सीम्स अ मायरकल दैट दे हैड सर्वाइव्ड इन द जंगल फॉर सो लॉन्ग, और ये बहुत ज़्यादा एक करिश्मा लग रहा था, एक बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि इन लोगों ने इतना टाइम जंगल में गुजारा और वो भी भेड़ियों के साथ। मिसेस सिंह डिसाइडेड दैट डिस्कवरी ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी कैप्ट अ सीक्रेट, इनकी जो मिस्टर सिंह ने जो है वो डिसाइड किया कि इनकी जो परवरिश हम करेंगे वो एक एज अ सीक्रेट वे में करेंगे, इनको जो है वो किसी को भी नहीं पता लगने देंगे। हिज वाइफ एग्रीड दैट ही दिस वॉज बेस्ट फॉर द गर्ल्स, उनकी वाइफ भी एग्री हो गई और उन्होंने सोचा कि हम इन गर्ल्स को बेस्ट बना देंगे। इट वॉज अ सीक्रेट दैट द सेंग्स वर नॉट एबल टू कीप फॉर लॉन्ग। वैन मिसेस सेंग ट्राइड टू गिव द गर्ल्स दियर फर्स्ट बाथ द ऑर्फेनेज इक्वर्ड विद दियर हॉर्स सून टॉक ऑफ द वॉल्फ चिल्ड्रन स्प्रेड थ्रू द सिटी। इट वॉज सीक्रेट दैट द सेंग वर नॉट एबल टू कीप फॉर लॉन्ग, यानी कि वो एक सीक्रेट था कि वो ये जो सीक्रेट उन्होंने रखना चाहा लेकिन ये सीक्रेट बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहा,
क्योंकि मिसेस सिंह ने जो है वो उनको नहलाने की कोशिश की थी ऑर्फेनेज में, लेकिन ऑर्फेनेज में एक बहुत किस्म की गुर्राने की और बहुत चीखों चिखा की आवाज़ें जो हैं वो गूंजने लगी, और बहुत जल्दी जो है वो पूरे सिटी में ये बात पता चल गई और ये बात फैल गई। द फर्स्ट लेसन दैट अमाला एंड कमाला हैड टू लर्न वॉज दैट दे वर नॉट वॉल्व। सबसे पहले उनको ये लेसन देना था कि वो जो हैं वो वॉल्व नहीं हैं। दिस वॉज फार मोर डिफ़िकल्ट दैन मिसेस सिंह हैड इमेजिनड, और ये मिसेस सिंह ने ही बहुत मुश्किल टास्क जो है वो समझा था कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऑल्दो शी डेलिबरेटली प्लेड विद अदर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ अमाला एंड कमाला शी कुड नॉट गेट द वॉल्व गर्ल्स टू बिहेव लाइक वुमैन। उनकी जो आदतें थी, उनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल भी वुमैन से नहीं मिलता जुलता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये लेसन उनको देना था कि ये जो है ये वॉल्व नहीं है, वो वुमैन है, तो उनको वुमैन की तरह ट्रीट करना था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल था। फोर वीक्स दे इग्नोर्ड द गेम्स एंड लाफ्टर ऑफ द चिल्ड्रन। फोर वीक्स यानी कि वीक्स इग्नोर उन्होंने जो है वो गेम्स को इग्नोर किया, और वो जो चिल्ड्रन उनके ऊपर हंसते थे उनको भी इग्नोर किया। इंस्टेड दे प्रेफर टू क्रश इन द शेड ऑफ और शेड मोशनलेस विद देयर फेसेस टू द वॉल। ओनली एट नाइट डिड दे बिकम एक्टिव। दे वुड हॉल एयरली और हर्ल देमसेल्फ एट द वॉल एंड द अटेम्प्ट टू द एस्केप। यानी कि वो जो एक्टिव होते थे वो रात को होते थे, और दिन भर जो थे वो ऐसे ही पैसिव होते थे, यानी कि सोते रहते थे, और रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते थे। और उन्होंने जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो अवॉइड करना शुरू किया, और वो जैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे वैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कंटिन्यू रहे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ अवर लेसन। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।